Good afternoon to everyone. VKM India is here and you are welcome in Oxford Lane once again. Competitive English Grammar की series already we have started. हम लोगों ने शुरू कर दी है और इसके दो videos, parts of speech and basics of English grammar already you have got. ये आपको मिल चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। इस सीरीज का तीसरा वीडियो आज हम लोग लेने जा रहे हैं। आज हम लोग एक लेसन सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम है नाउन द काइंड्स, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। कई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और सरप्राइजिंगली ये टॉपिक हम लोग कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा। कभी हमने कोशिश नहीं की कि वो उन चीजों को हम सीख सके या उन चीजों को हम ले सके जो चीजें वाकई कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं ये लेसन आपको ग्रामर की दृष्टि से नहीं पढ़ाऊंगा, आज ये लेसन मैं आपको कॉम्पिटिशन के दृष्टिकोण से पढ़ाऊंगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा और कहां से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां मैं आपको वार्न भी करूंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा भी कि यहां आपको सावधान रहना। बहुत जल्दी से हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। द नाउन, इसके काइंड्स। नाउन की परिभाषा ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, इट हैज बीन वेल डिफाइंड। अ नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ। इस दुनिया में जितनी चीजों के बारे में हम सोच सकते हैं, जिनका प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, वो सभी चीजें नाउन मानी जाती हैं। और अगर नाउन के प्रकार की हम बात करें तो अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर मैं आपको 3 सेंटेंसेस दिखा रहा हूं, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन 3 सेंटेंसेस को आप देखिए। सॉरी, स्लाइड थोड़ी आगे बढ़ गई थी, आइए हम लोग देखते हैं इसको। नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट। कभी कभी मटेरियल भी हम लोग इसमें शामिल कर लेते हैं। तो परिभाषा एकदम साफ सुथरी है और ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से या बहुत अटेंटिवली पढ़ने या पढ़ाने की जरूरत नहीं। कहां हमें कॉन्सेंट्रेट करना है उन चीजों पे हमें ध्यान देना। अब नीचे 3 सेंटेंसेस दिए गए, जस्ट यू केयर, राम वॉज अ ग्रेट किंग। हियर राम वॉज अ ग्रेट किंग, जस्ट सी दिस सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस राम इज द नेम ऑफ ए पर्सन। और एक दूसरा शब्द भी यहां आया है, यहां एक दूसरा शब्द आया है किंग। ये दोनों नाउन, एक सेंटेंस में दो दो नाउन हो सकते हैं, तीन तीन नाउन भी हो सकते हैं। अगला सेंटेंस है वाराणसी इज अ होली सिटी। इसमें वाराणसी एक स्थान का नाम है, राम एक व्यक्ति का नाम है। और तीसरा सेंटेंस है बुक्स आर वेरी यूजफुल। इसमें बुक्स जो है वो थिंग्स का नाम। तो ये जो हमने अंडरलाइन किया है, ये तीनों ही शब्द जो हैं वो नाउन कहे जाते हैं, क्योंकि हमारे डेफिनेशन के अनुसार ये नाउन की श्रेणी में आते हैं। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहां आपको ज्यादा ध्यान देना। काइंड्स ऑफ नाउन में दो बेसेस, देयर आर टू बेसेस टू क्लासिफाई नाउन। नाउन को विभाजित करने का, नाउन का वर्गीकरण करने के हमारे पास दो आधार है। एक पहला है सेंस, सेंस के अनुसार, और दूसरा है नंबर, संख्या के अनुसार। सेंस का अर्थ, सेंस को
अगर हम हिंदी में लिखें तो अर्थ के अनुसार, और नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका अर्थ होता है संख्या के अनुसार। अर्थ के अनुसार पांच तरह के नाउन होते हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। दूसरा हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरे को हम लोग कलेक्टिव कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एंड मटीरियल नाउन जिसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक जगह हमारा ध्यान नहीं गया और वो ध्यान यहां है। और यहां से आपके कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे तो यहां से भी जाते हैं, सेंस वाले से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक हो गया, इसको अलग अलग भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये जातिवाचक हो गया, ये समूहवाचक हो गया, ये समूहवाचक हो गया, और ये भाववाचक हो गया, और ये द्रव्यवाचक हो गया। द्रव्यवाचक ये आप एक तरह से पहले से जानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर के अनुसार, संख्या के अनुसार दुनिया के सभी नाउन्स को दो भाग में बांटा जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब जिनकी गणना हो सके, जिसे हम गिन सकें, दैट कैन बी काउंटेड। ऑल दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और दोज कैन बी काउंटेड, दे आर नोन एज काउंटेबल नाउन। उनको हम लोग काउंटेबल नाउन की संख्या संज्ञा में के वर्ग में रखते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनकी गणना हो सकती है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अमूमन जनरली ये नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ एक पीपल भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पीपल, ये पीपल भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन जिनकी गणना हो सके, और अगर नाउन काउंटेबल है तो दो संभावनाएं बनती है। पहली संभावना बनती है कि या तो वो संख्या में एक होगा या एक से ज्यादा होगा, और अगर वो संख्या में एक होता है तो वो होता है सिंगुलर नाउन, और अगर वो संख्या में एक से ज्यादा होता है तो वो होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल से नाउन का सिंगुलर और प्लूरल पार्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में ये पूछा जाता है कि ये नाउन दिया गया है, इसका प्लूरल बताइए। नाइफ का प्लूरल बताइए, नाइफ्स। लोव का प्लूरल बताइए, लोव्स। तो सिंगुलर प्लूरल से संबंधित आपके कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और संख्या के अनुसार दूसरा प्रकार जो होता है नाउन का, वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल मीन्स दैट कैन नेवर बी काउंटेड, जिसकी गणना नहीं हो सकती है। भाई किताब, किताब को तो हम गिन सकते हैं ना। पेन, पेन को भी हम गिन सकते हैं। बॉयज, बॉय को भी गिन सकते हैं। लड़कों को भी गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का। तो जो चीजें इस दुनिया में गिनी जा सकती हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जो चीजें इस दुनिया में गिनी नहीं जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर नाउन काउंटेबल है तो संभावना दो बनती है कि या तो उसकी संख्या एक होगी या एक से ज्यादा होगी, और अगर वो एक है तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं, और एक से ज्यादा है तो उसको हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। इज इट क्लियर? इस स्लाइड पर की सारी चीजें एकदम क्लियर हैं? नो कंफ्यूजन इज देयर? अब सिंगुलर का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगुलर में हम बोलते हैं यहाँ बॉय, लड़का, हम बोल सकते हैं यहाँ बुक, किताब। यहाँ पे प्लूरल में इसका बॉयज हो जाएगा और प्लूरल में इसका बुक्स हो जाएगा। ये फॉर स्पेसिमेन,
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया, अनकाउंटेबल नाउन की गणना नहीं हो सकती, जैसे मिल्क यहां देखिए दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हमने दिया है मिल्क गिना नहीं जाता, नापा जाता, ये कोई नहीं कहता कि दूठे मिल्क दे दो हमको, या ये कोई नहीं कहता कि दोठे चीनी दे दो हमको। तो जितने मटेरियल नाउन्स होते हैं, खास तौर से जो लास्ट में यहाँ हमने द्रव्यवाचक संज्ञा लिखा है, जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो ज्यादातर अनकाउंटेबल होते हैं, उनकी उनकी गणना नहीं हो सकती। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेज जो ग्रामर, जो अकॉर्डिंग टू सेज जो नाउन्स के प्रकार हम लोगों को पढ़ने हैं, उनको हम लोग एक एक करके पढ़ें। वहां कंपटीशन कहाँ वैल्यू करता है, वहां कंपटीशन के लिए कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, हम लोग उन पर स्ट्रेस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति का नाम होता है या एक स्थान का नाम होता है। जैसे यहाँ लिखा है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। एक चीज यह ध्यान रखेंगे, पर्सन और प्लेस, पर्सन और प्लेस, या तो व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है मोहन, दिल्ली, कबीर, कानपुर, ये या तो स्थान के नाम है या किसी व्यक्ति के नाम। प्रॉपर नाउन मीन्स द नेम ऑफ ए पर्सन और प्लेस, बस इतना आपको याद रखना होगा। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ध्यान रखना होगा हमेशा। कल हमने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी शब्द का तब तक हम निर्धारित नहीं कर सकते जब तक कि उसका प्रयोग किसी सेंटेंस में न किया जाए। उस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो शब्द कौन सा काम कर रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निर्धारित करते हैं। इसी से संबंधित दो नोट हमने आपको दिया या कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा आपको, आपके सेंटेंस में एरर दे देगा और कोई प्रॉपर नाउन दे देगा उसको स्मॉल लेटर से शुरुआत कर देगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये वर्ड गलत है अगर ये स्मॉल लेटर से शुरू हो। कोई भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम, अगर किसी सेंटेंस के बीच में भी आपको लिखना है तो उसका पहला लेटर कैपिटल हो। जैसे अगर हमें मोहन लिखना है तो हम मोहन ऐसे लिखेंगे, मोहन का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। अगर कोई मोहन ऐसे लिख देता है तो इसको हम लोग गलत कहते हैं। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब प्रॉपर नाउन हमें लिखना होगा तो चाहे सेंटेंस के शुरू में लिखना हो, चाहे उसके बीच में लिखना हो, चाहे अंत में लिखना हो, प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अब एक दूसरा नोट यहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन के लिए। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। हमने कहा था ना कि सेंटेंसेस में जब उसका इस्तेमाल होता है तब हम पता कर पाते हैं कि वाकई ये है क्या। प्रॉपर नाउन का प्रयोग कभी कभी हमारे सेंटेंसेस में कॉमन नाउन की तरह भी होने लगता है जब उसके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे ही वॉज द राम, ध्यान दीजिए, ही वॉज द राम ऑफ हिज विलेज, वह अपने गांव का राम है। यहां राम एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यहां राम की क्वालिटी से उस व्यक्ति की तुलना की जा रही है। तो यहां राम के पहले द लगा है तो यहां राम जो है वो कॉमन नाउन नहीं है बल्कि प्रॉपर नाउन नहीं है बल्कि कॉमन नाउन है। एक चीज ध्यान रखेंगे आप। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, यू आर द रफी इन माई क्लास, तुम मेरे क्लास में रफी हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट रफी पर्सनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ मोहम्मद रफी। रफी वॉज अ गुड सिंगर, सो यू आर ऑल्सो सिंगिंग वेरी वेल, सो यू आर बींग कंपेयर्ड विद द रफी। तो यहां तरफी जो होगा वो कॉमन नाउन होगा, यह कॉमन नाउन होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, ये कॉमन नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन में ये दो चीजें खास ध्यान रखनी है और एक चीज इसके डेफिनेशन में याद रखना है कि किसी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम
जब कभी भी हमारे सेंटेंसेस में आएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा और उसको हम अपने सेंटेंस में कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत करेंगे। इज इट क्लियर? आइए अब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन बड़ा एक सिंपल सा नाउन होता है, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जिसको हिंदी में हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये प्रॉपर नाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये किसी व्यक्ति का नाम होता है या किसी स्थान का नाम होता है, और कॉमन नाउन जो होता है वो किसी जाति का नाम होता है। जातिवाचक इसको हम लोग बोलते हैं। एक विशेष क्लास का बोध कराता है, एक विशेष वर्ग का बोध कराता है, ये बोध कराता है ये, इसलिए इसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन अक्सर सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं, ये चीज बस आपको ध्यान रखना होगा। यह एक विशेष जाति का, वर्ग का, समुदाय का बोध कराता है, और ऐसे नाउन को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे यहाँ दिया हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है गर्ल, बॉयज, मैन, काउ, मंकी। अगर हम बंदर कहते हैं तो संपूर्ण बंदर प्रजाति का बोध होता है, और अगर हम जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर अ सेकंड, यस, अगर हम बंदर का नाम लेते हैं तो बंदर किसी विशेष जाति का बोध कराता है, एक बंदर प्रजाति है, एक समूह का बोध कराता है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम लोग कॉमन नाउन की श्रेणी में रखते हैं। आइए यहां तक क्लियर हो गया, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, सो जस्ट बी केयरफुल हियर, यहां आपको बहुत ध्यान देना है। कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन के लिए। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यह एक ऐसा शब्द होता है जो एक समूह का बोध करता है, जो एक ग्रुप का बोध करता है, एक ग्रुप के बारे में हमें संकेत देता है। अगर हम बोलते हैं मेला, तो मेला किसी एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, मेला का मतलब खूब भीड़ भाड़, ढेर सारी दुकानें। अगर कोई बोलता है टीम, तो टीम अगर कोई बोलता है तो कोई वो एक व्यक्ति नहीं हो सकता, उसमें कई मेंबर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम लोग समूहवाचक कहते हैं। इसका हिंदी नाम ही जो है वो हमें इसके अर्थ से अवगत करा देता है, इसके अर्थ से हमें परिचित करा देता है। सो डोंट वरी, आप कॉम्पिटिशन के लिए कहा ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन आपने जान लिया कि ये कलेक्शन का संकेत देता है, एक कलेक्शन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और एक शब्द से पूरे समूह का बोध होता है। जैसे क्राउड, भीड़, बहुत क्राउड है, लेकिन एक ही आदमी था वहां, इज इट पॉसिबल? ऐसा संभव नहीं है। अगर भीड़ है तो बहुत लोग, और मॉब, इसके बाद टीम, इसके बाद फोक, इसके बाद फ्लॉक, इसके बाद हर्ड, इसके बाद आर्मी, 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 इंडियन आर्मी। तो आर्मी किसी एक सोल्जर से नहीं बनती, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी, ऐसे जो शब्द होते हैं उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। दे आर कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन में इन चीजों का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको आना चाहिए। जैसे अफ्लीट कोई कहता है, अफ्लीट, अफ्लीट का मतलब अ कलेक्शन ऑफ शिप और वेसल्स, समुद्री जहाजों का बेड़ा।
जब कई समुद्री जहाज एक साथ चलते हैं तो उसके उसको कलेक्टिव रूप में हम लोग अ फ्लीट बोलते हैं. अ फ्लीट ऑफ अ फ्लीट मींस अ कलेक्शन ऑफ शिप और वेसल. एन आर्मी, आर्मी का मतलब कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जहां ढेर सारे सोल्जर्स. अ क्राउड का मतलब अ कलेक्शन ऑफ पीपल, जहां लोग बहुत ज्यादा हों. इसके बाद विथ, यहां भी आपको ध्यान देना होगा और एरर्स सेंटेंस में यहां से उठाएगा. आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको आपसे आपके कॉम्पिटिशन में ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नोट एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि विद कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, उसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा. अगर कोई बोलता है द क्राउड वर कमिंग टूवर्ड्स मी, अगर कोई बोलता है क्राउड वर कमिंग टूवर्ड्स मी, अगर कोई सेंटेंस बोले द क्राउड वर कमिंग टूवर्ड्स मी, तो भैया ये मेरे सेंटेंस गलत है. क्या गलत है इसमें? यहां वर की जगह पे क्या होगा? वॉज होगा. क्यों वॉज होगा? क्योंकि क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन. कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ नीचे दिए हैं. द पुलिस इज कमिंग. द पुलिस, द पुलिस का मतलब एक पुलिस नहीं होता, पुलिस केवल बोलते हैं आप तो वो सिंगुलर है, और द पुलिस बोलते हैं तो पूरी पुलिस प्रजा, पूरी पूरी पुलिस समुदाय का बोध होता है. द पुलिस इज कमिंग. द पाक आर्मी वॉज डिफीटेड. द पाक आर्मी, आर्मी पाक आर्मी में केवल एक ही सोल्जर को लड़ा नहीं था कारगिल में, पूरी पाक सेना लड़ी थी, बहुत सारे आतंकवादी भी वहां के लड़े थे. तो कलेक्टिवली उनको हम लोग पाक आर्मी बोलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सोल्जर्स भले ज्यादा हो लेकिन उनके लिए हम लोग यहाँ वॉज का प्रयोग किया है. द पाक आर्मी वॉज डिफीटेड एट कारगिल, यहाँ वॉज सही है. द जूरी, द जूरी वॉज सेट फॉर द केस. जूरी का मतलब जजों का समूह, जजेस का जो समूह होता है, उनका जो कलेक्शन होता है, किसी किसी खास केस के लिए जूरी सेट किया जाता है. कोई एक जज उसका फैसला नहीं करता, तीन चार पांच छह जजेस का एक बेंच बनता है जिसको हम लोग जूरी कहते हैं. और जूरी वॉज सेट, जबकि जूरी में मेंबर्स ज्यादा होते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ वॉज का प्रयोग हुआ. द हर्ड ऑफ कैटल, द हर्ड ऑफ कैटल मवेशियों का झुंड. हर्ड ऑफ कैटल का मतलब होता है मवेशियों का झुंड. इज पासिंग, पास करना. तो यहाँ चूंकि कैटल ज्यादा हैं समूह में, तो उनका उनके एक समूह का बोध हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल. सो हियर एट दिस स्लाइड एट दिस मोमेंट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, बी केयरफुल, यू हैव टू बी अटेंटिव ओनली फॉर वन थिंग, कि कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सेंस में होता है, जबकि वो बोध प्लूरल का कराता है. एक से ज्यादा एक्टिंग मेंबर्स होते हैं उसमें, इसके बावजूद भी उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कर सकते हैं. इज इट क्लियर? कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अपने आप में बहुत ही खास है आपके कॉम्पिटिशन के लिए. शायद इस तरीके से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी नहीं पढ़ा होगा. आप आज ध्यान देंगे और हमें लगता है कि ये आज अंतिम बार आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. ये तीन शब्द आप याद रखेंगे. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भाववाचक. भाववाचक का मतलब हुआ जो एक भाव है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, या जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भाव. ये भाववाचक संज्ञा जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, वो तीन शब्द आप याद रखेंगे. इट इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट. क्वालिटी का मतलब हुआ गुण, यह गुण का नाम हो सकता है. एक्शन का मतलब हुआ कार्य, यह किसी कार्य का नाम हो सकता है. और स्टेट का मतलब हुआ
अवस्था, ये किसी अवस्था का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है। तो इन तीन चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करें, गुण की बात करें, सबसे पहले यहां देखिए क्वालिटी के कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं। क्वालिटी का नाम ये कैसे होता है, अगर ये क्वालिटी का नाम है तो यहां है गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये किसी व्यक्ति के गुणों का नाम जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक्शन की बात करें, एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य, जो हम काम करते हैं, तो एक्शन में जैसे है लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड, तो ये जो वर्ड्स हैं वो एक व्यक्ति के एक्शन के नाम है, एक्शन के नाम है, कार्य के नाम है, इनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में लेते हैं। और तीसरा है स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था, इसमें है चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सब स्टेट्स हैं, ये सब अवस्थाएं हैं, एक व्यक्ति इन अवस्थाओं में जीता है, कभी हमारा बचपन रहा होगा। सो चाइल्डहुड इज अ नेम ऑफ स्टेट। तो ये तीन चीजों के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कंपटीशन, कंपटीशन हमेशा हम लोगों के दिमाग में रहेगा, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक, ग्रामर का, भले हम इसके पहले कई बार पढ़ चुके हैं और भले ही उस चीज को हम जानते भी हों, लेकिन इन वीडियोस में जो मैं कॉम्पिटिटिव सीरीज शुरू किया हूं, इन वीडियोस में हर टॉपिक के पीछे क्या लॉजिक है और कैसे आपके कॉम्पिटिशन के लिए वो महत्वपूर्ण है, वो चीज मैं जरूर आपको वार्न करूंगा, जरूर मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा और वहां आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। सर्टेनली इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन। आप ध्यान दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को फॉर्म किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है, और ये बनाने के लिए आपसे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट नाउन है या इस वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, एक ये नोट आप हमेशा याद रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, बनाया भी जा सकता है इनको। अगर एडजेक्टिव हम लेते हैं तो किसी एडजेक्टिव से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव है काइंड, हम लोग बोलते हैं ही इज वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, तो काइंड एक एडजेक्टिव है और इस काइंड से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो वो बनेगा काइंडनेस, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंड क्या है, एडजेक्टिव है और काइंडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है और ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव है और ये काइंड भी, काइंड भी एडजेक्टिव है और इन दोनों एडजेक्टिव से एक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान दीजिए। तो एक एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव से कैसे हम ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ये चीज सीखने की है और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको करने होंगे, बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी करने होंगे एंड डोंट वरी, आपको एक्सरसाइजेस भी मैं करवाऊंगा। टॉपिक खत्म करके जब नाउन हम लोग खत्म करेंगे तो नाउन से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, सर्टेनली वी विल डिस्कस, हम लोग उसे करेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब किसी वर्ब से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं, जैसे वर्ब है ओबे, ओबे का मतलब किसी के आज्ञा का पालन करना और इससे हम लोग बनाते हैं ओबीडियंस, ओबे से ओबीडियंस। जैसे वर्ब है ग्रो और ग्रो से हम लोग बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ग्रोथ, ग्रो इज वर्ब और इस वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना ग्रोथ, ये है वर्ब और ये भी है वर्ब
और इस वर्ब से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया और इस वर्ब से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया. इज इट क्लियर? आइए तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन से आप अभी तक तो वर्ब को आपने कन्वर्ट किया, एडजेक्टिव को कन्वर्ट किया, अब अगर कोई कॉमन नाउन है तो उससे हम लोग कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं. जैसे चाइल्ड, चाइल्ड कॉमन नाउन है, चाइल्ड एंड चिल्ड्रेन पूरा बच्चा समुदाय, पूरा बच्चा, बच्चा प्रजाति आप कह सकते हैं, बच्चों का वर्ग कह सकते हैं. तो यह एक कॉमन नाउन है और यहां स्लैब भी एक कॉमन नाउन है, दास गुलाम. तो यहां चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया, ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका बन गया और ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, इससे भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया. तो एडजेक्टिव से, वर्ब से, कॉमन नाउन से कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे देगा और कहेगा कि इसका एडजेक्टिव बताइए, या आपसे आपको कोई वर्ब दे देगा और कहेगा कि इससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, या आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे देगा और कहेगा कि इसका कॉमन नाउन बताइए. तो उस परिस्थिति में अगर ये तरीका आपको पता है तो यू कैन डू इट, आप अच्छा कर सकते हैं. मुझे लगता है कि आप बोर नहीं हो रहे, चीजें बड़ी काम की आपको मिल रही. और एक चीज और, आपको कुछ करना है, वाकई एक अच्छे पढ़े लिखे की जिंदगी जीनी है, अपने करियर को बहुत अच्छा बनाना है, तो सर्टेनली थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए हंसते हुए सीखना पड़ेगा. यू हैव नॉट टू बी ओवर टेंस्ड, ओवर प्रेशर्ड, ओवर बर्डन. आपको बहुत चीजें भारी रूप में नहीं लेनी है. एक वादा मैं आपसे करता हूं कि जो ग्रामर आपके लिए बहुत कठिन लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बाप रे बाप, ये ग्रामर इतना ज्यादा पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा, ये कहां से याद हो पाएगा, आपको याद नहीं करना होगा. सिर्फ किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए मेरे सीरीज के ये सारे वीडियोस आप एक बार देख जाइए, एक्सरसाइजेस हमारे साथ कर लीजिए, सर्टेनली इंग्लिश में आप 110% अच्छा करेंगे, ये मेरी गारंटी. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया होगा, प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं. और आगे बस एक छोटा सा और बचा हुआ है, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन में कुछ नहीं होता, मैटर की बात होती है, जिसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. द्रव्य का मतलब मैटर होता है और मैटर के तीन प्रकार होते हैं, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस. थ्री स्टेट्स होते हैं किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस के, तो वही मैटर है ये. मैटर का मतलब मटेरियल जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके. मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट्स, जिससे हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते उनका नाम अगर आता है तो उनको हम लोग मटेरियल नाउन में रखते हैं. और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए. मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट्स. एग्जाम्पल्स यहां कुछ दिए गए हैं, सॉयल है, मिट्टी, गोल्ड सोना, प्लास्टिक, ऑक्सीजन, मिल्क, वाटर, ये सभी मटीरियल नाउन, ये सब मैटर है. वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में हो सकता है. अगर उनका नाम कहीं डिस्कस किया जा रहा है, आपके सेंटेंस में आ रहा है, तो दे आर कंसीडर्ड एज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन को हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक. और ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको मापा जा सकता है, इनको तौला जा सकता है. अब कोई कहे कि रिंग, ध्यान दीजिए कंफ्यूजन यहां कहां होता है. रिंग मान लीजिए, यहां कोई कह दे गोल्डन रिंग, या कोई कह दे गोल्ड रिंग, तो हम लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मटेरियल नाउन है. रिंग मटेरियल नाउन नहीं है, रिंग एक प्रोडक्ट है. यह रिंग जो है वो गोल्ड से बना है, गोल्ड जो है वो मैटर है, उसका सब्सटेंस है जिससे यह प्रोडक्ट बना है.
तो ये रिंग जो होगा वो मटेरियल नाउन नहीं होगा बल्कि गोल्ड मटेरियल होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि काइंड्स ऑफ नाउन आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आपको कहीं कोई परेशानी समझ में आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई, हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपके बड़े भाई हैं, हम आपके टीचर हैं, आप हमसे कोई संकोच न करें। बहुत प्यार से आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, कुछ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और वास्तव में आपको जरूरत किन टॉपिक्स की है जहां आप अपने को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई डिमांड करते हैं तो आई एश्योर यू दैट विद इन फ्यू डेज आई सर्व, मैं आपकी सेवा करूंगा और मैं जरूर वो वीडियो बना के आपको दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।